हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम गूगल शीट्स के अंदर करेंसीज को कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे यहां पर हमने पेनड्राइव को परचेज किया, 500 पेनड्राइव हमने परचेज की, एक पेनड्राइव का प्राइस है $10, तो टोटल हमने $5,000 स्पेंड किए पेनड्राइव के ऊपर। अब ये जो हमने $5,000 स्पेंड किए हैं, हम इसको INR के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। करेंसी हमारी कोई भी हो सकती है। अभी यहाँ पर हम तीन एग्जांपल्स देखेंगे, INR का, यूरो का और रूबल का। इसकी वर्किंग को देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम माउस पैड परचेस कर रहे हैं, एक पैड का रेट है $5। हमने 250 पैड्स परचेस की, इसके हिसाब से यहाँ पर $1,250 आ गया। साथ ही साथ जो भी अभी कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा अमाउंट कन्वर्ट होकर आ गया है। तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे और कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो सबसे पहले हम INR के ऊपर आ जाते हैं। जिस भी अमाउंट का हमको कन्वर्जन करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो इक्वल इस अमाउंट का हमको कन्वर्जन करना है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे गूगल फाइनेंस, ब्रैकेट कोट्स के अंदर हम लिखेंगे करेंसी, कोलन USD INR। यानी यहाँ पर जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर हम USD को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके बाद जिसके अंदर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको हम पीछे लिखेंगे। हम INR के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोट्स को हम क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये हमारा कन्वर्ट होकर आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम $600 डाल देते हैं। ऐसे ही इसको हम यूरो के लिए भी यूज करेंगे। इक्वल अमाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय गूगल फाइनेंस, ब्रैकेट कोट्स के अंदर हम लिखेंगे करेंसी, कोलन अब हम लिखेंगे USD यूरो, कोट्स को हम क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर इसका भी कन्वर्जन होकर आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसको रूबल के लिए भी हम यूज़ करेंगे। इनके अलावा बाकी और जो भी करेंसीज हैं उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।